जय गणेश दोस्तों। मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तोत्र को लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। उस स्तोत्र का नाम है गणपति अष्टोत्तर शत स्तोत्र। इसमें भगवान गणपति के 108 नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। यदि इन 108 नामों का यदि आप प्रतिदिन स्मरण करते हैं, इस 108 नामों से भगवान गणपति का अर्चन करते हैं, दूर्वा से अर्चन करते हैं, या मोदक का आप भोग लगाते हैं, या अन्य लाजा इत्यादि जो पदार्थ होते हैं उससे आप अर्चन करते हैं, तो आपके सभी मनोवांछित कार्यों की सिद्धि होती है। क्योंकि इसके फलश्रुति में भी बताया गया है कि अमुक अमुक पदार्थों से क्या करने पर क्या किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। तो गणपति अष्टोत्तर शत नाम जो है, जिस प्रकार से गणपति सहस्र नाम है, शिव सहस्र नामावली होता है, प्रत्येक देवी देवताओं के 108 नाम का स्तोत्र बहुत ही प्रचलित है। जिस प्रकार से बटुक भैरव अष्टोत्तर शत बहुत प्रचलित है, भगवान शिव जी के 108 नाम बहुत प्रचलित हैं। क्योंकि ये 108 नाम, जिसको संस्कृत भाषा में अष्टोत्तर शत स्तोत्र कहा जाता है या फिर अष्टोत्तर शत नामावली कहा जाता है संबंधित देवी या देवता का, तो यह बहुत ही प्रिय होता है। भगवान गणपति को तो यह स्तोत्र अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि ऐसा कहा गया है कि सहस्त्र जो आवर्तन होता है, मतलब जो सहस्त्र नामावली पढ़ते हैं, यदि उसको पढ़ने में यदि आप असमर्थ हैं तो 108 नामों का आप स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, या नाम श्रवण कर सकते हैं, या उन दिए हुए नामों का आप जप कर सकते हैं, तो भी उतना ही फल वो प्राप्त होता है। मतलब सहस्त्र आवर्ती पाठ करने का जो फल कहा गया है, वही फल भगवान गणपति के अष्टोत्तर शत नाम पाठ करने का प्राप्त होता है। तो इसका बहुत ही बड़ा महात्म्य होता है। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, काम आपके नहीं हो पा रहे हैं, जैसे भगवान गणपति को विघ्न विनाशक कहा जाता है, मतलब कोई सी भी परेशानी आपके जीवन में है, किसी भी प्रकार का विघ्न आपके जीवन में उपस्थित हो रहा है, तो यह उसको नष्ट करने वाले हैं भगवान गणपति, इसीलिए इनको विघ्न विनाशक कहा जाता है। तो कोई सा भी आपके काम है जो नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशानियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, तो आप यह अनुभूत प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इस अनुभूत प्रयोग का यदि प्रतिदिन स्मरण करते हैं, या अष्टोत्तर शत पाठ का जाप करते हैं, स्तोत्र संकीर्तन करते हैं, या सुनते हैं, श्रवण करते हैं, या ब्राह्मणों द्वारा आप इसका पाठ कराते हैं, 1008 आवृत्ति यदि इसकी कराते हैं, और 108 नामों से आप अर्चन कराते हैं, दूर्वा से, लाजा से, और भी अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो गणपति अथर्वशीर्ष में बताए गए हैं उसके फलश्रुतियों में, तो उसको यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो मनोरथ हैं वो बहुत ही जल्द पूर्ण होंगे। तो आइए पहले भगवान गणपति का ध्यान करते हैं जो अष्टोत्तर शत नाम में बताया गया है, उसके बाद स्तोत्र का पाठ करेंगे और आप उसे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ओंकार सन्निभमिभाननमिन्दुभालं मुक्ताग्रबिन्दुममलद्युतिमेकदन्तं लम्बोदरं कलचतुर्भुजमादिदेवं ध्यायेन्महागणपतिं मतिसिद्धिकान्तम्। ओं गणेश्वरो गणक्रीडो महागणपतिस्तथा विश्वकर्ता विश्वमुखो दुर्जयो धूर्जयो जयः स्वरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः योगाधिपस्तारकस्थो पुरुषो गजकर्णकः चित्रांगः श्यामदशनो भालचन्द्रश्चतुर्भुजः शम्भुतेजा यज्ञकायः सर्वात्मा सामब्रह्मितः कुलाचलांसो व्योमनाभिः कल्पद्रुमवनालयः निम्ननाभिः स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृहद्भुजः पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः सर्वावयवसम्पूर्णः सर्वलक्षणलक्षितः इक्षुचापधरः शूली कान्तिकान्दलिताश्रयः अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् विजयावहः कामिनी कामना काम मालिनी केलिलालितः अमोघसिद्धिराधार आधाराधेयवर्जितः इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलनिर्मलः कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रदः कमण्डलूधरः कल्पः कपर्दिकटिसूत्रभृत् कारुण्यदेहः कपिलो गुह्यागमनिरूपितः गुहाशयो गुहाब्धिस्थो घटकुम्भो घटोदरः पूर्णानन्दः परानन्दो धनदो धरणीधरः बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मविप्रियः
भव्यो भूतालयो भोग दाता चैव महामनाः वरेण्यो वाम देवस्य वंद्यो वज्र निवारणः विश्वकर्ता विश्वचक्षुर हवनम हव्य कव्य भुक् स्वतंत्र सत्य संकल्प तथा सौभाग्यवर्धन कीर्तिद शोकहारी च त्रिवर्ग फलदायक चतुर्बाहुः चतुर्दन्तश्च चतुर्थी तिथि संभवः सहस्र श्रीषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात कामरूपः कामगतिर्द्विरदो द्विपरक्षकः क्षेत्राधिपः क्षमा भर्ता लयस्थो लड्डुकप्रियः प्रतिवादी मुखस्तंभो दुष्टचित्त प्रसादनः भगवान भक्ति सुलभो याज्ञिको याजकप्रियः इत्येवं देवदेवस्य गणराजस्य धीमतः शतमष्टोत्तरं नाम्नां सारभूतं प्रकीर्तितं सहस्रनाम्नामाकृष्य मया प्रोक्तं मनोहरं ब्राह्म्य मुहूर्ते चोत्थाय स्मृत्वा देवं गणेश्वरं पठेत् स्तोत्रमिदं भक्त्या गणराजः प्रसीदति। ओं गंगणपतये नमः। तो इसका मुख्य काल जो स्वयं स्तोत्र के अंतर्गत बताया गया है, प्रातः काल का ही इसका मुख्य काल बताया गया है कि प्रातः काल में इस भगवान गणपति के अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करना चाहिए। और स्वयं कहा गया है कि जो आपके मनोवांछित फल होते हैं वो मनोवांछित फल इस स्तोत्र का पाठ करने से पूर्ण होते हैं। तो आप भी यदि भगवान गणपति के अष्टोत्तर शत का पाठ कराना चाहते हैं या अथर्वशीर्ष का पाठ कराना चाहते हैं या रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं या महामृत्युंजय जप इत्यादि कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई सा भी अनुष्ठान पूजन पद्धति आप कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। जय।